नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। चलिए शुरू करते हैं। 2 मीडियम साइज के बैंगन, 3 टमाटर, 4 से 5 प्याज, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। सबसे पहले बैंगन, टमाटर और प्याज लें। इनमें से टमाटर और प्याज को काट लें और बैंगन को भूनने के लिए ग्रीस कर लें। अब बैंगन को सीधे आंच पर रखें और अच्छी तरह से भून लें। जब यह पूरी तरह से भून जाए तो इसे आंच से उतार लें। बाकी के बैंगन को भी भून लें। जब दोनों बैंगन भून जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें और छिलके को उतार लें। बैंगन के डंठल को काट लें। अब बैंगन को एक बर्तन में निकाल लें। कटे हुए टमाटर डालें, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और 3 छोटे चम्मच नमक डालें। इन्हें अच्छे से मैश करके मिक्स कर लें। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लें और इसमें कटे हुए प्याज डाल दें। धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनें, जब तक यह गुलाबी न हो जाए, इसे गोल्डन ब्राउन न करें। अब इसमें बैंगन और टमाटर का मिक्सचर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, फिर से अच्छी तरह से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। तेल अलग होने पर यह तैयार है। सर्विंग बाउल में निकाल लें। रोटी या पराठे के साथ परोसें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।